नमस्कार, आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राधा। आओ ज्ञान की एक दीप वहां जलाए जहां सदियों से अंधेरा है। जी हां, इस वाक्य को सच करने में लगे हैं एक शिक्षक दंपति जो बेगूसराय के सोकहरा निवासी अजीत कुमार और शबनम मधुकर हैं, जो बरसों से बरौनी एवं विभिन्न रेलवे प्लेटफॉर्म पर मुफलिशी की जिंदगी गुजार रहे अनाथ, बेसहारा, नशे के आदि दर्जनों बच्चों के बीच ज्ञान की असीम रोशनी पहुंचाने में, उसे नशे की दुनिया से दूर करने में। जी हाँ, इनकी कोशिश है कि कल्लड़ कहे जाने वाले ऐसे भी बच्चे पढ़ लिख कर एक आम बच्चों की तरह जिंदगी गुजारें। लेकिन क्या अजीत की यह कोशिश कामयाब हो पाएगी? का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है जहां रोज दर्जनों गाड़ियों का आवागमन होता है, लेकिन शायद ही किसी ने गौर किया हो कि यहां पलते हैं अनाथ बेसहारा बच्चे जो शिक्षा व समाज से बिल्कुल अलग हैं, जो कि भूख, कुपोषण, अशिक्षा एवं नशे के गिरफ्त में जानवरों से भी बदतर मुफलिसी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं, जहाँ सरकार और संबंधित विभाग की हर कोशिश बौना साबित हो रही है, या यूं कहिए कि ऐसे बच्चों के लिए बनाए गए बाल कल्याण योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पा रही है। यह अलग बात है कि सरकार और विभाग आंकड़ों का जादू दिखा खुद अपने ही हाथों अपनी पीठ थपथपाए जा रही है। शिक्षक तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शिक्षक के परिवार से जिनका जीवन समर्पित है अनाथ और बेसहारा, आश्रयहीन बाल श्रमिक बच्चों के नाम। बेगूसराय जिले के वरौनी सोकहरा निवासी पेशे से जो कि शिक्षक है, उनका नाम अजीत कुमार और उनकी पत्नी शबनम मधुकर, जो बरसों से विभिन्न रेलवे प्लेटफॉर्म पर मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे सैकड़ों अनाथ, बेसहारा, आश्रयहीन बच्चों के बीच शिक्षा का अलख जगा रहे हैं, उन बच्चों के बीच ज्ञान की असीम शक्ति को पहुंचाने का काम में लगे हुए हैं, जिनकी जिंदगी में शायद कभी शिक्षा व ज्ञान की रोशनी पहुंचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये शिक्षक दंपत्ति इन मासूमों की आंखों में सुनहरे कल की सपने सजा रहे हैं, ताकि ऐसे बच्चे के गुमराह हो रहे बचपन को बचाया जा सके। प्लेटफॉर्म पर रहने वाले इन बेसहारा बच्चों की शिक्षा और बाल अधिकार को लेकर पहले तो इन्होंने कई स्थानीय विद्यालयों के अलावा संबंधित सभी अलाधिकारी सहित प्रधानमंत्री कार्यालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक का दरवाजा खटखटाया, परंतु इन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन अजीत और शबनम ने हार नहीं मानी और स्वयं ही ऐसे बच्चों को शिक्षित और नशा मुक्त कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का निश्चय किया। फरवरी 2013 में शिक्षक अजीत ने अपनी पत्नी शबनम मधुकर एवं पुत्र दिव्यांशु राज और आर्यन राज के सहयोग से वरौनी जंक्शन रेलवे प्लेटफॉर्म के खाली पड़े शेड TPT में अनाथ बेसहारा बच्चों का एक अनोखा विद्यालय शुरू किया। ये क्या है? आयत। क्या है ये? आयत। क्या वो कौन है? चार। और बेटा क्या वो है? चार। सामान्य स्कूलों की तरह अब बच्चे भी रोज स्कूल में पढ़ाई से पहले प्रार्थना तथा योग करते हैं। एक, 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 दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पांच, पांच, छह, छह, सात, सात, आठ, आठ, नौ, नौ, दस, दस, ग्यारह, ग्यारह, बारह, बारह, तेरह, तेरह, चौदह, पंद्रह, पंद्रह,
और फिर शुरू होती है गीत, संगीत, पहेली, मूक अभिनय, चित्र, तालियां और चुटकियों जैसे रोचक गतिविधियों के द्वारा भाषा और गणित की पढ़ाई। मैं पापा के इस अभियान में उनके साथ हूँ। मैं प्लेटफॉर्म पर रहने वाले बच्चों को खेल कूद व योगा में प्रशिक्षित करता हूँ। मुझे फख्र है अपने मम्मी पापा पर जो ऐसे नेक मुहिम में जुड़े हैं। शिक्षक दंपत्ति न सिर्फ उन बच्चों को प्लेटफॉर्म पर शिक्षा दान देते हैं, बल्कि उसे अपने घर का बना भोजन व अन्य जरूरतों का भी ख्याल रखते हैं। अनेक परिस्थितियों के बाद भी शिक्षक दंपत्ति निरंतर बढ़ते रहे अपने अभियान के साथ, जिसके बाद इस नेक कार्य को देखते हुए वहां के युवाओं का भी सहयोग इन शिक्षक दंपत्ति को मिलने लगा। शबनम कहती है, उनका यह शैक्षणिक एवं नशा मुक्ति अभियान न सिर्फ वरौनी जंक्शन के इन 40 बच्चों के लिए है, बल्कि उन तमाम अनाथ, बेसहारा, आश्रयहीन, अति कठिन समूह के बच्चों के लिए है जो बिहार सहित पूरे भारत में लाखों की संख्या में अशिक्षा, भूख, कुपोषण एवं नशे की गिरफ्त में अपना जीवन और बचपन खो रहे हैं। हमारा यह शैक्षणिक एवं नशा मुक्ति अभियान वरौनी जंक्शन के सिर्फ इन 40 बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि मैं चाहती हूँ वरौनी बिहार एवं भारत वर्ष में जितने भी अनाथ, बेसहारा, बाल श्रमिक बच्चे हैं, उन्हें सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा एवं बाल अधिकार मिले और वे हमारे समाज के मुख्यधारा से जुड़ सकें। मंजिलें अभी और भी हैं, ये तो बस एक नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत है। अब आपको बताते हैं कि कहां से मिली अजीत को यह प्रेरणा। पिछले 8 साल से मैं प्लेटफॉर्म पर रहने वाले वैसे बच्चों को शिक्षा और नशा मुक्ति का अभियान चला रहा हूँ जिनका अपना कोई सक्षम गार्जियन नहीं है। इनमें से अधिकांश ऐसे बच्चे हैं जिनके अपने माता पिता नहीं हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो ट्रेनों में छूट गए, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो घर से भाग करके यहाँ चले आए और वहीं का होकर के रह गए। ऐसे तमाम बच्चे पहले ट्रेनों में झाड़ू लगाते थे, कचरा चूते थे, भीख मांगते थे एवं नशा भी करते थे। उनका रहना सहना सारा स्टेशन पर ही होता था। चूँकि मेरा खुद का बचपन रेलवे प्लेटफॉर्म पर बीता है, इसलिए इन बच्चों की मैं दर्द बेहतर महसूस कर सकता हूँ। मैं शिक्षक बनना चाहता था और मैं शिक्षक बना भी। जब मैं शिक्षक बना तो हमारा यह उद्देश्य था कि सबसे पहले हम ऐसे बच्चों के लिए कुछ बेहतर काम करेंगे। और मैं 2008 से ऐसे बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही कर रहा हूँ। मुझे न सिर्फ उन बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था करनी होती है, बल्कि सेल्फ रिसोर्स से उन बच्चों के लिए खाना, कपड़ा और दवाई तक की भी व्यवस्था करनी होती है। जाहिर सी बात है कि यह काम एक चुनौती भरा काम है, लेकिन हमें हमारे साथियों का सहयोग मिलता है। यहाँ स्थानीय लोगों का हमें सहयोग मिलता है और जिस कारण से हमारा मिशन बेहतर चल रहा है। मैं अपने तमाम शिक्षक साथियों से, युवाओं से एवं अपने समाज के लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे जहाँ कहीं भी आपको मिले जो समाज शिक्षा से वंचित हैं, प्लीज़ आप उसे शिक्षा एवं समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का कोशिश करें, क्योंकि ये बच्चे भी हमारे समाज के अंग हैं। अजीत का बचपन अपने पिता सीताराम पोद्दार के साथ वरौनी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए गुजरा। अपने इरादे के मजबूत और धुन के पक्के अजीत शुरू से पढ़ लिख कर शिक्षक बनना चाहते थे। वर्ष 2003 में जीडी कॉलेज बेगूसराय से स्नातक की पढ़ाई पूरी कर वर्ष 2004 में उत्क्रमिक मध्य विद्यालय रेलवे बरौनी में भाषा एवं गणित के शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। अपने संघर्ष के दिनों में इन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म पर मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे सैकड़ों अनाथ, बेसहारा, आश्रयहीन बाल श्रमिक बच्चों की जिंदगी को काफी करीब से देखा और उनके दर्द को महसूस किया जो पढ़ने लिखने व खेलने की उम्र में अशिक्षा, भूख, कुपोषण और नशे की गिरफ्त में पकड़ कर उम्र से पहले ही अपना जीवन और बचपन खो देते हैं। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान हो। पंखों से कुछ नहीं होती है, हौसलों से उड़ान होती है। माय नेम इज़ रजनीश कुमार। मेरा नाम रजनीश कुमार है। मेरा भाई एक है दीपक कुमार, जो अभी घर पे है। हम दोनों ने जब से हो संभाला है तब से खुद को स्टेशन पे पाया है। और मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे स्टेशन पे रहते हैं,
जिनके फ्यूचर के बारे में भी कुछ पता नहीं है खास, खैर हमारे भी फ्यूचर के बारे में कुछ पता नहीं था, मगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अजीत सर को और अजीत सर के जैसे इंसान को जो कि हमारे फ्यूचर में है, हम लोग को पढ़ाएं लिखाएं, हम लोग के फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ सोचें, जो अभी मैं 9th में पढ़ रहा हूँ। ऐसे गुमराह हो रहे लाखों बच्चों को शिक्षा और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने को ही शिक्षक अजीत ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। फिलहाल बिहार समेत देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए DTW24 न्यूज़ के साथ। अगर आप हमारे इस न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।